सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल शेख, आप देख रहे हैं डायमंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों HTML का आज का छठावा लेक्चर है। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे ये वीडियो अपलोड है। 1 से लेकर 5 तक जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये 6 वीडियो है। और दोस्तों यहाँ पर जो है कल के लेक्चर में यानी 5th लेक्चर में, आज का तो 6th लेक्चर है, जो 5th वाला लेक्चर था जो कल का था, तो उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। तो वो मिस्टेक जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया ओपन, तो यहाँ पर इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये रेड आ रहा है, ये येल्लो आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन है वो ग्रीन कलर तो शो नहीं हो रहा है, तो आपको जो है इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में, पहले तो हमने स्टार्ट में जो है नोटपैड में अपना काम स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद जो है हम नोटपैड प्लस प्लस में आए हैं, फिर इसके बाद जो है हम सबलाइन में जाएंगे या फिर ड्रीमवीवर में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमने टाइटल्स पे सेल्स स्पेसिंग दिया था, सब बराबर दिया था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ रेड है, लेकिन इस टैग के अंदर ये जो है BG कलर जो है वो ब्लैक में है, शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं R डाल दूंगा तो ये रेड में शो हो जाएगा। अब मैं कर लूँगा इसे सेव, यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे जब मैं रन करूँगा तो देखो दोस्तों ये जो है वो ग्रीन हो गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ काम जानबूझ के करते हैं ताकि आप लोग बार 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 वीडियो रिपीट में देखें, लेकिन यहाँ पे इस चैनल में जो मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक आप लोगों को बताने में, आप लोगों को समझाने में सही से समझ जाए मेरी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन मिस्टेक फिर भी हो जाती है। तो मेरी मिस्टेक से आपको अपनी मिस्टेक को दूर रखना है, और मैं अब भी आपको क्लियर कट बोल देता हूँ कि मैं और मिस्टेक करते ही रहूँगा। मैं लेस देन ग्रेटर देन को मैं अपनी भाषा में कुछ भी बोलूँगा, आपको समझाने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर मैं, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है कि ऐसे क्या उसका रियल नेम क्या है, तो मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर दिया। आज HTML ही करेंगे, HTML का तो हमें बहुत लेक्चर देखना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि HTML मेरी सोच के मुताबिक बहुत बड़ा है। हेड, फिर हमको लिखना है टाइटल। ठीक है, अब टाइटल में मैं लिख लेता हूँ क्रिकेट, लिख लिया क्रिकेट। कई लोग स्पेलिंग रॉन्ग लिखेंगे, जैसे कि मैं ज़्यादातर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लूँगा हेड, हेड हो गया क्लोज। ठीक है, हेड ओपन किया तो क्लोज कर लूँगा। अब बॉडी ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये किया क्या, बॉडी ओपन किया, फिर टेबल बनाना है। ठीक है, आज थोड़ा लैंग्वेज अपडेट करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अलग अलग भाषा का उपयोग किया है, तो आज थोड़ा सा अपडेट करेंगे। टेबल रो, ये TR टेबल रो। ठीक है, TR मतलब बेटा टेबल रो। फिर इसके बाद TD यानी टेबल डेटा। अलाइन इज़ीक्वल टू। अब सेंटर का मतलब वो जो भी लिखूँगा मैं वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अब BG कलर C को थोड़ा कैपिटल में रख रहा हूँ ये। अब यहाँ पे ले लूँगा मैं सेमी कॉलन स्काई ब्लू। ठीक है, थोड़ी सी वर्ड लैंग्वेज अपडेट करेंगे, स्काई ब्लू। ठीक है, नीचे आएंगे, नहीं आती नीचे, तो इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं डाल दूँगा रो स्पेन। अब रो स्पेन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रो स्पेन SPEN स्पेन इज़ीक्वल टू टू रख देना है। अब इसको क्लोज करना है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्री का काम क्या मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले वीडियो में नहीं बताया जानबूझ के।
या मान लीजिए मेरे को भी नहीं पता था पहले, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझ के चलिए। इंडिया बराबर, देखो इंडिया इंडिया, ठीक है, स्पेस देता हूँ 301 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, पी आर ई का वो आ गया, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन को ध्यान रखना है आपको। अब मुझे क्लोज करना है H2, ठीक है, H2 ओपन किया था, ओपन किया था क्या, मेरा वापस से सवाल, H2 ओपन किया था, यस किया था। H2 का क्या काम है, क्या रोल है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये ऐसा है। तो दोस्तों इतना मैंने किया, अब नीचे आऊँ, इंटर करूँ, कर लिया इंटर। अब मैं ना इसको सेव करता हूँ, क्या करता हूँ सेव, ताकि इतना पढ़ा, ये इतना कोडिंग या फिर आपकी भाषा में इतना वर्ड लिखा हुआ, ये जो भी आप बोलते, ये मैंने लिखा हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक वेब करके फोल्डर बनाया है, यहाँ पे पी पी 4.html सेव करना है, ठीक है, सेव करूँगा, ठीक है, कर लिया सेव। इस पे आया वेब पर, ये P4 को क्लिक करना है, ये ओपन हुआ, देखो दोस्तों किस तरीके का बन के आया। अब यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग ओपन करता हूँ, ये देखिए, ये आप गौर कीजिए, ये जो HTML तो HTML है, हेड तो हेड है, टाइटल में क्रिकेट लिखा हो, ठीक है, और हेड क्लोज किया हो, बॉडी ओपन किया हो, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं किया, HTML भी क्लोज नहीं किया, हेड भी क्लोज नहीं किया, लेकिन आप कर लेना। टेबल ओपन किया हो, टेबल रो में टेबल डाटा क्या रखा हो, अलाइन अलाइन सेंटर लिखा हो, कलर को क्या किया, स्काई ब्लू, ये ठीक है। अभी मान ली स्काई ब्लू किया हो, रो स्पेन 2 रखा हो, अब रो स्पेन को 3 रखता हो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इधर। ये किया सेव, रन, कुछ हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, अब आके दिखाऊंगा। अभी रो स्पेन को यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, ये सेव किया, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, नहीं होगा वो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी हमारी रो नहीं है। आप एक्सेल में देखते होगे मर्ज, क्योंकि बहुत सारे एक्सेल में हम देखते होगे मर्ज। मैं एक बार एक्सेल ओपन करता हूँ आपको, थोड़ा सा आज थोड़ा सा अपडेट लेवल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल भाषा का उपयोग अच्छा है आपके समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं तो आप लोग भी नॉर्मल भाषा ही का उपयोग करते होंगे। दोस्तों देखो ये वर्टिकल है ना, इसको बोलते हैं टेबल, ये टेबल ए का टेबल हो गया, ये बी का टेबल हो गया, ये सी का टेबल हो गया, ये डी का टेबल हो गया, बराबर। अब रो बोलेंगे तो ये देखो ये एक ये रो है, इसको बोलते रो, ठीक है। अपन टी आर लिखते ना तो टी आर इसकी बात करते, इसकी बात करते टी आर, और टेबल डाटा तो हम इसकी बात करते। अब मसला ये है, अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है उठकर, इसको मर्ज, देखो ये जो है ना ये टेबल, ये क्या है, ये भी टेबल है, ये भी टेबल है, तो इसको मैंने करता हूँ मर्ज, हो गया मर्ज, ये दोनों मर्ज हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि ये दोनों है, इसको मर्ज कर दिया। अब ये हॉरिजेंटली मर्ज हुआ नहीं, ये हॉरिजेंटली मर्ज हुआ ना, देखो ये जो है ये हॉरिजेंटली मर्ज हुआ, हॉरिजेंटली बोले तो ऐसा सीधा, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और वर्टिकल बोले तो ये वर्टिकल, ठीक है, खड़ा, तो ये मर्ज हुआ। तो इसमें कॉल स्पेन और इसमें हम जो कॉल स्पेन का ये वर्ड देखे ना, रो स्पेन कॉल स्पेन, आप देखेंगे उपयोग करते रहेंगे, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि आपको जितना भाषण देते रहूंगा ना, मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना समझ में आएगा, आप जब तक देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। इसको रखता हूँ 2, ठीक है, 2। प्री का क्या काम है, मैं प्री का काम भी बताता हूँ, पी आर ई का फुल फॉर्म आप कमेंट में मुझे लिख के भेजो, और मैं यहाँ पे प्री का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर 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 इधर, हाँ इधर ही ध्यान दो, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अभी एक और एक ओपन करता हूँ, टी बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, नहीं करना था कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, क्या लिखना है, बी जी कलर, बी जी कलर इज इक्वल टू ऑरेंज
ऑरेंज ऑरेंज, फिर ऑरेंज के बाद मान लीजिए साहिल, साहिल कितना 109 रन, ठीक है। फिर एस यू पी, क्या लिखना है, एस यू पी कैपिटल में लिखना है। अब यहाँ पे मैं एक स्टार ले ले रहा हूँ, ठीक है, स्टार लिया। फिर एस यू पी क्लोज करना है, एस यू पी क्लोज करना है। फिर टी डी, टी डी, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, आई बात समझ में। अब मैं इसको करता हूँ सेव, रन करूँगा। देखो अब यहाँ से आज थोड़ा सा डीप में जाएंगे, टेबल डाटा, ये टेबल डाटा है उसका एक लिया, ये टेबल डाटा का दूसरा वाला है, ठीक है। और ये जो स्टार आया ना, स्टार चांद के बाजू वाला, ठीक है, सूरज के बाजू तो नहीं आता, चांद के बाजू, तो उसके लिए ये मैंने कोड यूज़ किया हो एस यू पी, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग मुझे वो भेजेंगे, किस पे भेजेंगे, कमेंट में लिख के भेजेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, हो गई एक चीज़, टेबल डाटा क्लोज कर दिया। अब अपना कोई काम है क्या, काम है अपना नहीं है, टेबल डाटा ओपन किया, टेबल डाटा क्लोज किया, बराबर दोनों का। अब टी आर ओपन करता हूँ, टेबल ड्रो, ठीक है, टेबल डाटा, टेबल डाटा, अब ये चलेगा टेबल रो, ये नीचे चलेगा टेबल रो, टी आर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इसके नीचे आता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। फिर लूँगा टेबल डाटा, टेबल रो, टेबल रो मैं तू दूसरा टेबल डाटा कैसा बोल रहा, बोलना चाह रहा हूँ, देखो दिखेगा आपको, समझ में आएगा। अब यहाँ पे लूँगा बी जी कलर, बी जी कलर, इसको फुल फॉर्म क्या बोलती है इसका भी मेरे को लिख के भेजो, कलर का सी कैपिटल लगता हो ताकि आपको थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना हो दिखने में। फिर यहाँ पे लगता हो इसका मैं ऑरेंज, ऑरेंज रखूँ, ऑरेंज ही रख लेता हूँ, ऑरेंज, ठीक है। अब क्या करना है, अब साहिल, अब साहिल की जगह पे मान लीजिए एक सूरज है, सूरज इसका कितना है 53 रख लो, रख लिया 53, जो रखना है रखिए, मेरे नंबर पे मत चाहिए आपको, खाली जो टेबल बनाने का उस पर ध्यान रखिए। क्लोज टेबल डाटा, टी आर ओपन किया तो टी आर क्लोज करूँगा, यस डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब क्या क्लोज करना बाकी है, वापस से टी आर क्लोज करना बाकी है ना, दो बार करूँगा, एक बार करूँगा टी आर क्लोज। जब मैंने एक बार ओपन किया टेबल रो, तो टेबल रो ख़त्म, टी डी ख़त्म, ठीक है। इसको क्या करना है, और कोई टी आर बार बचा है क्या, टी आर दिखता हो, देखो ऊपर का टी आर बचा था, ठीक है, जो कि अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, इसको मैं कर लिया क्लोज, ठीक है। ये देखो, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है, एक बचा था, ठीक है, ये किसका है, ये इसका है। अब रन करता हूँ, देखो दो हो गया, देखिए दो हुआ, कैसे हुआ दो, कैसे हुआ दो, ये तो समझ में आया आपको, स्काई ब्लू का सेंटर में लिया, बराबर। अब टेबल डाटा दूसरा मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, इसमें क्या था, साहिल जी था, कौन साहिल, साहिल था मैं हूँ, ठीक है, 109 है मेरा। अब हो गए, वो बात हो गई ख़त्म। फिर टी आर दूसरा लिया, यानी दूसरी टेबल रो लिया, यानी दूसरी टेबल रो लिया, ठीक है, टेबल रो में क्या किया, टी डी लिया, ये लिया, ये लिख के क्लोज कर दिया, तो ये जो है इसके नीचे आ गया, किसके नीचे आया, इसके साहिल के नीचे आ गया, बात समझ में आ रही, साहिल के नीचे आ गया। अब मैं इसको रो स्पेन को मैं हटा देता हूँ आपके थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको ना सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखिए आप कुछ समझ में आई। आप कुछ लोग मुझसे पूछे कि भाई कि ये इंडिया के नीचे ही सूरज क्यों नहीं आया, सूरज साहिल के नीचे क्यों आया, क्योंकि रो स्पेन डाला था ना, रो स्पेन की कोडिंग थी ना, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, रो स्पेन तो आ जा, सेव। तो अब क्या है, जो स्काई ब्लू है ना, स्काई ब्लू जो अलाइन जो सेंटर है ना, यहाँ पे मैंने कितना रखा, टू, कितने रो का रो स्पेन, टू, तो ये जो दो दो रो का एक है, ये जो इंडिया है वो दो रो का एक है, दो रो यानी दो रो,
का एक है, ऐसा समझ के चलो मेरी भाषा में, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, अब इसको करता हूँ रन, आ गया। ये देखो ये दो रो का हुआ एक बराबर, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसी को वापस से कॉपी करता हूँ, इसी को मैं वापस से कॉपी करता हूँ, ठीक है। सी, अब यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, सेम टू सेम सेव करूँगा और यहाँ पे रन करूँगा, नीचे आया आया। अब यहाँ पे देखो इधर आऊँगा, इधर आने के बाद रो स्पेन कितना है यहाँ पे, तीन कर दूँगा, तीन कर दिया, सेव। बात समझ में आ गई, मेरी बात हजम हो रही है, हो रही ना हजम, समझ में आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड, दोस्तों ये मेरी भाषा है, मेरा तरीका है सिखाने का, आप बस गौर करो, बस आपका काम है छापना। 5 लेक्चर तक मैंने आपको कोड छापने लगाया था, अभी भी कोड आपको छापने ही लगाऊंगा, ठीक है। तो ये TD आ गया अपना, कितना सूरज 53 ले लिया, सब क्लोज कर दिया, ठीक है। अब TR को ओपन करता हूँ, TR ओपन क्लोज इंटर, TD फिर अलाइन 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 अलाइन, मिडल मिडल मतलब बीच में, बीच का व्यक्ति, ठीक है। मिडल मिडल फिर मिडल में BG कलर इज इक्वल टू सेमी कॉलन स्काई ब्लू, होता है स्काई ब्लू, होता कि नहीं होता, होता ना, ठीक है। फिर रो स्पेन पे अभी मेरे से कोई बात नहीं करेगा, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेना कमेंट करके या ईमेल करके या इंस्टाग्राम करके, ठीक है। फिर इज इक्वल टू टू, फिर ओवर ओवर ओवर, क्या डाला मैंने, ओवर ओवर 38.2, ठीक है। अब क्या क्लोज करना है, TD टेबल डाटा, ठीक है, टेबल डाटा क्लोज करना है, कर दिया। फिर क्या करना है, सेव करना है, ठीक है, फिर रन करना है। आ गया नीचे इसके, आ गया ओवर, रो स्पेन अगर इसका मैं बढ़ा दूंगा तो समझ में आ गया, ठीक है। फिर इस पर आना है, फिर क्या करना है मुझे, क्या करना है, ये अभी कितना टेबल डाटा अपन 38 दे दिए, बराबर सब बराबर चल रहा है। अभी क्या करना है अपन को, TD टेबल डाटा, BG कलर, ठीक है, कलर इज इक्वल टू क्या देना है, ग्रीन, टैब दबाया करो बच्चों, टैब तो वो लेगा ग्रीन। अब यहाँ पे है इंडिया, इंडिया की जंग किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे को पाकिस्तान का नाम नहीं डालना है, ठीक है, मैं दूसरी कंट्री का कोई नाम डाल देता हूँ, चाइना से भी हमारी हिंदुस्तान की दुश्मनी है, इसका भी नाम नहीं डालता हूँ। अब कौन बचा, कोई तो कंट्री होगी ना, इंडिया के मुकाबले में तो कोई है ही नहीं, लेकिन डाल देता हूँ एक कंट्री का नाम, कौन सी कंट्री है, UK लिख देता हूँ, ठीक है। वैसा तो मेरी कोई दूसरी कंट्री से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे हिंदुस्तान पे फ़ख्र है, हिंदुस्तान मेरा वतन है और मेरा मुल्क है, और इससे मोहब्बत हमेशा रहेगी जब तक मेरे दिल में और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरा वतन है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, UK, तो जिन लोगों को ये पाकिस्तान में भी मेरा चैनल वॉच होता है, चाइना में भी वॉच होता है, बहुत जगह वॉच होता है, तो जिन लोगों को ये बुरा लगा हो तो प्लीज़ मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन क्या है वतन की मोहब्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग ज़्यादा मुझसे अच्छे समझते होंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैंने डाला बिग कलर ग्रीन, क्या डाला, बिग कलर ग्रीन, यहाँ पे मैंने ओवर कर दिया, ओवर करने के बाद बिग ग्रीन। अब मैंने यहाँ पे UK लिखा, UK 302 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लूँगा TD, ठीक है। अब नीचे आता हूँ,
टी आर टैब दबाऊंगा, टीआर लिया, लिया टीआर, ले लिया टीआर। अब फिर नीचे आना है, नीचे आना है, हाँ नीचे आना है, नीचे टीआर के नीचे मतलब क्या लिखना है, टेबल रो के अंदर क्या लिखना है, टेबल डाटा डालना है। इधर ध्यान मत को मत, इधर देखो टेबल डाटा, टेबल डाटा के अंदर फिर बीजी कलर, फिर कलर, कलर, ठीक है। अब कलर के अंदर क्या लिखना है, बीजी कलर के अंदर ग्रीन इज इक्वल टू ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन के अंदर, ग्रीन में किसका नाम देंगे, कोई है फुटबॉल प्लेयर, सॉरी फुटबॉल तो अपन कर रहे नहीं, अपन क्रिकेट का काम कर रहे हैं। देखो होता है कोडिंग करने में ऐसी प्रॉब्लम होती है, सुने। तो अब यहाँ पे मैं किसका नाम लेता हूँ, कोई है यूके का, मेरे को नहीं मालूम, तो मेरे को नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम, तो मैं उसका जोम करके ZOM लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी का नाम मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं डाल देता हूँ ये। फिर अभी क्या लिखता हूँ मैं, देखो देखो 6.2-0 40.0। अब ये लिख के रखा हुआ है मेरे पास, ये चीज़ जो लिख के रखा हुआ है मेरे पास, तो वो मैं डाल दिया। जो क्रिकेट के जो है खेलने वाले वो चीज़ समझते होंगे, और जिनको क्रिकेट नहीं आती, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है, तो वो इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर, यहाँ पे टी आर टेबल रो ओपन करूँगा, ठीक है। फिर ये ओपन करने के बाद टी आर ओपन हुआ, अब ये टेबल डाटा टी डी टेबल डाटा। अब टेबल डाटा के अंदर मुझे क्या लिखना है, क्या लिखना है, ऊपर तो मैं लिख लिया जोम, अब उसके अंदर लिखना है बी जी कलर। बार 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 दोस्तों देखो, बी जी कलर, बी जी कलर, इसमें पहले भी वीडियो में मैं समझाया हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं डीप में अभी बार बार नहीं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे स्काई ब्लू, स्काई, ठीक है, ब्लू, ठीक है, क्या लूँगा मैं, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू ले लिया। अब यहाँ पे कोल्स पेन, अब कोल्स पेन मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। अब उसको मैं आपको यहाँ पे रोइस पेन बता दिया, कोल्स पेन भी थोड़ा सा अलग है, वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का डिफरेंस है, जो मैंने आपको अभी एक्सेल में बताया था। कोल्स पेन आपको खुद पर्सनल ट्राई करके भेजना है, अगर नहीं आता है कमेंट करो, ईमेल करो, और कमेंट का तो इतना शायद मैं रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ, लेकिन ईमेल या इंस्टाग्राम करो तो मैं आपको बता दूंगा, और कमेंट भी करें तो चलता है यार। फिर दूसरी बात जो है, मैं आगे की वीडियो में कोल्स पेन के बारे में बता दूंगा, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे क्या है, कोल्स पेन करना है, कोल्स पेन, ठीक है, टैब दबाने का, मैं स्पेस दबा रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा है वो। कॉल्स पेन इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन का ध्यान रखना, डबल डबल नहीं होना चाहिए। जैसा कि देखो वो पिछले अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वो ग्रीन में प्रॉब्लम हो रही थी, जो अपना फिफ्थ लेक्चर था, ठीक है। टू विन WIN विन इज इक्वल टू टू, ठीक है, रन्स, ठीक है, इन लेवल 0.4, ठीक है, ओवर्स, ब्रैकेट ओपन बोलेंगे कि लेस देन ग्रेटर देन पड़ेंगे, मेरे तरह मत पढ़ यार तू, यार लेस देन ग्रेटर देन पे ध्यान दो बच्चों। लेस देन किसको बोलते, ग्रेटर देन किसको बोलते, नेट पे पढ़ो, सुने। ये जो मैं जो ओपन कर रहा हूँ ना, उसमें से कोई एक लेस देन है, उसमें से कोई ग्रेटर देन है, आगे की वीडियो में देखेंगे हम इसके बारे में, और डीप हर चीज़ बताऊँगा ना तो मज़ा नहीं आएगी, हर चीज़ बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि कोडिंग सीख रहा भाई, कोडिंग इतना तो यार नेट पे देख ले यार, मैं बताऊँ ना बताऊँ आपको खुद देखना है। मैं आपको पहले स्टार्ट में बताया कि W3D स्कूल भी है, कितने लोग उसको फॉलो किए, कितने लोग देखे, क्या कमेंट करके बताओ मुझे, कितने लोग ने देखे, नहीं देखे होंगे कई लोग ने, पढ़ी ही नहीं है किसी को, चलो मैं हूँ ना, टेंशन क्या है, HTML क्लोज किया। अब मैं इसको सेव करूँ सेव, ये कर दिया मैंने सेव, देखे बात समझ में आई क्या। अब टू विन टू रन्स, अब कितना है ये, इन 11.4 ओवर्स, बात समझ में आ रही है, ले रहा हूँ इंडिया है यूके के साथ 301 रन है, समझ रहा। तो भाई
मैं खाली बताना चाहता था टेबल, ये टेबल देखो, हमको कोडिंग सीखना है, हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान वतन नहीं देखना है, हमको यहाँ पर कोडिंग सीखना है। सुने, अगर आप हिंदुस्तानी हो जैसे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं फ़ख्र करता हूँ हिंदुस्तानी होने पर, इसलिए मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि अपनी इकोनॉमिक मजबूत होए। तो जो लोग हिंदुस्तानी देख रहे हैं मेरा चैनल, तो वो भी अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा पढ़ाई करे, अपने लिए पढ़े, ठीक है? कम से कम कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने लिए पढ़े ताकि आगे चल के टैक्स भरे, इनकम ज़्यादा है तो टैक्स भरे, और जो दूसरी कंट्री के देख रहे वो भी अपनी कंट्री के लिए आगे बढ़े, हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे, ठीक है? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैच का मुकाबला चलते रहेगा, हर चीज़ का मुकाबला चलते रहेगा, ठीक है? तो पढ़ाई का मुकाबला भी करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो जिन लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई बात बुरी लगी तो सॉरी, ये बोलना पड़ता है पढ़ाने के लिए, समझाना पड़ता है, बच्चे हैं छोटे, क्योंकि मेरे चैनल में छोटे से बड़े बच्चे आते हैं, तो उनका माइंड जो है वो शार्प करने के लिए, साफ़ करने के लिए और पढ़ाने के लिए ऐसी बात का उपयोग करके उनके माइंड को मैं एजुकेशन की मोड की तरफ ज़्यादा लाना चाहता हूँ। ज़्यादा बोलूँगा और ज़्यादा खाली इसके बारे में, कोड के बारे में करूँगा तो पक जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जाने से पहले एक चीज़ छोटी सी हमको यहाँ पे करना है कि देखो, ये मैंने किया ओपन, ठीक है? अब इसके अंदर ना मैं एक चीज़ देखता हूँ करके मेरी कोडिंग काम करती है कि नहीं। मेरी कोडिंग बनाया तो कभी नहीं था, इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब यह इतना मैं डालता हूँ, ठीक है? सेव, क्या आ गया? सब पर बॉर्डर आ गया। मेरी कोडिंग नहीं थी, ये कोडिंग बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, किसने बनाया वो जानना ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।